हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग विजिट कर रहे हैं जगताप वाटरफॉल। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। अगर आप भी मॉनसून में पुणे के आसपास किसी जगह को खोज रहे हैं जहां आप फैमिली के साथ विजिट कर सकें। बोर हो रहे हैं? क्यों, क्या हो गया, बोर क्यों हो रहे हो? आप मुझे पानी में नहीं ले जा रहे हो? लेके चलेंगे, लेके चलेंगे। यहाँ आपको 400 रुपीज पर पर्सन देना होता है। 5 साल तक के बच्चे का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और वीकडेज में 350 होता है ये एंट्री चार्जेस। और पैकेजेस भी हैं इनके जिसमें लंच और स्नैक्स देते हैं ये, तो उसका चार्ज करते हैं 950 वीकेंड पे और वीकडेज में 850। तो भैया, मैं ब्लॉग चालू करने वाला हूँ। मेरा नाम हिमांशी पटेल है और मेरा दोस्त है ये पीयूष रोहित। तो ये पूरे एरिया को अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये पहला जो पार्ट है, यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाएगी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा रेन डांस करने के लिए स्पेस। तो यहाँ पर आप रेन डांस कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसी हैपनिंग पब्लिक है तो। और धीरे धीरे आप जब और ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको मिलेगा एडवेंचर करने के लिए थोड़ा सा टाइम। ये वाटरफॉल ना नेचुरल वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि ये ना सीधे गंगा से जुड़ा हुआ वाटरफॉल है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, गंगा से गिर रहा है। और ये पुणे में से इकलौता वाटरफॉल है जहाँ गंगा का पानी आता है। आप लोग लगा चुकी बना रहा हूँ, लेकिन सही बात है। ये पबजी वाला है। तो यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जाओगे आप तो फिर आपको ये ऐसा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैठ के आप बिल्कुल अपनी बैक की मसाज कर सकते हो, इतना फोर्सफुली ये वाटर आता है। तो मैं भी यहाँ वही कर रहा था। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो आप अकेले इंजॉय कर सकते हो कई जगहों को। तो वो एक चीज़ अच्छी है, भीड़ भाड़ नहीं है जैसा नॉर्मली जगहों पे होता है। आप जाओ तो हर जगह अनेक लोग मिलते हैं आपको, तो आपको बिल्कुल बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे आपने पैसे दिए हैं तो आप वो वसूल कर सकते हो, मज़े ले सकते हो पूरे। अब इसके बाद हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से ये सारा पानी आ रहा है। तो ये था टॉप फ्लोर और यहीं पे था वो झरना जिसको देखकर हम आकर्षित हो रहे थे। और इसी के नाम पर जगताप वाटरफॉल जो इस जगह का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप जितना समय व्यतीत करो उतना कम है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग नीचे जाके फिर मैं कैमरा लेके आया, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, अब इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कोई आएगा भविष्य में तो उसको थोड़ा रेफरेंस हो जाएगा। और यहाँ ये जो अंदर वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ गुफा के नीचे बैठ के बहुत सारे लोग मेडिटेशन भी कर रहे थे नकली वाला, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ बैठने में। ऐसा लग रहा था कि बैठ ही रहो और यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कब तक बैठेगा आदमी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आए और फिर से यहाँ पर लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ नाचना गाना ये सारी चीज़ें करी। उस समय पर हम ही थे वहाँ पर, कोई ऊपर था भी नहीं। तो सब लोग आ जा सकते हैं और ये पूरे क्षेत्र में आप बिना चप्पल जूते के घूम सकते हो। जूते चप्पल के साथ भी आ सकते हो, बट जगह स्लिपरी हो जाती है तो अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा होगा। और देखिए कितना मस्त माहौल हो रहा है, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो बहुत अच्छा माहौल हो रहा था यहाँ पर। और इसके अलावा उसके बाजू में एक और झरना था जहाँ पर ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए थे, लेकिन यहाँ जाना अलाउ नहीं था। बट करके देखा तो ये भी हो गया, यहाँ पर लोग जाने लगे, हम ही लोग गए थे, ये अलाउ नहीं था। अब वहाँ पे इस टाइम पे कोई इनकी टीम मेंबर थे ही नहीं, तो ये सब भी कर लिया हमने। तो ये उनकी तरफ से एक लूप होल था जिसको हमने क्रैक कर लिया। और इसके बाद सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे, जो भी इनकी अलग अलग स्टेजेस थी ऊपर तक जाने की सारी चीज़ें। बस हमने डांस नहीं किया था क्योंकि जब तक हम डांस करने के लिए आए तब तक पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके बाद हम आए फिर जो उनका कैंटीन वाला एरिया था, यहाँ पर हमने वड़ा पाव और पाव भाजी वगैरह खाया था। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलता है, जो बेसिक है, थाली मिलती है, मिसल पाव मिलता है, वड़ा पाव और कांदे भजिया, इस टाइप की चीज़ें, चाय वाय आपको मिल जाएगी, तो आप अपना पेट भर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगी है तो आप थाली ले लो।
तो यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ये जो अरेंजमेंट है ये बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे तो यहाँ बड़ों ने भी इसका मज़ा लिया। मना करते हैं वो, लेकिन एक दो बार बोलो तो वो बोलते हैं ठीक है कर लो। तो आप ये भी कर सकते हैं विद फैमिली, बच्चों के साथ भी, और आपके साथ कुछ अगर बड़े एज ग्रुप के लोग भी हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और हर जगह पर यहाँ आपको सिक्योरिटी वाले मिल जाएंगे जो आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पर आगे स्लिपरी हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप चलें। और बाद में यहाँ पर हमने देखा तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, हर जगह बहुत ज़्यादा पानी था, और जहाँ रेन डांस हो रहा था वो जगह को उन्होंने अभी ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वहाँ सफाई होनी थी। तो पानी अब देखिए, पहले थोड़ा साफ सुथरा था, अब लेकिन बहुत ज़्यादा ही फ्लो हो रहा था, तो सामने से आप देख सकते हो पूरा भर गया था। तो समय के साथ माहौल वहाँ बदलते जा रहा था, बट हमने शाम तक अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और वहीं पर आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप घर से जो कपड़े लाए हैं, और ऐसे शीट्स वगैरह भी बने अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं तो वो भी अगर इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आप अपने बच्चों को, फैमिली को, पेरेंट्स को दे सकते हैं वाटरफॉल का विदाउट एनी रिस्क। तो यहाँ सेफ्टी के साथ आप अपने परिवार को ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है। 400 रुपीज़ देना पूरा आएगा, अनलेस कि आप यहाँ पर अपने साथ ऐसे कुछ लोग लाएं जो इन्जॉय करें, ऐसा नहीं कि आके आप बैठ गए। तो ये सब था जगताप वाटरफॉल, और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे है, और यहाँ पर आने के लिए आपको हाईवे से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर आना होगा। अब जा रहे हैं वापस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब भी कर लो, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।